गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस अभी शाम का 4 बज चुका टाइम और मैं अभी जा रहा हूँ रथ यात्रा देखने, जो हमारे गांव का रथ यात्रा है। तो आज इस तरह से कुछ है कि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो ज़्यादा टाइम घुमाएगा नहीं, बस उसका नियम जो रिवाज वो करेंगे, ऐसा तो सुना हो मैंने। तो फिर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर पूरा घुमाएगा जितना टाइम तो भी आप लोग को वीडियो में देखने में मिल जाएगा। कम टाइम भी घुमाएगा तो भी आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा। तो तब पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रथ यात्रा की जनाता हूँ और वीडियो में बने रहना। जो भी मैं जाऊँगा, जो भी दिखूँगा, जो भी ये करूँगा आप लोग जरूर दिखेगा, तो वीडियो में बने रहना। और दोस्तों धूप थोड़ा सा अभी कम लग रहा है क्योंकि पूरा दिन से धूप देखो, अभी 4:30 बज गया टाइम और अभी भी धूप देखो थोड़ा कड़क ही लग रहा है। दोस्तों फिर आप लोगों से वहाँ जाके हम पूरा जगह पे जाके मिलते हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आ चुका हूँ और सब लोग गान कीर्तन ढोल बजा रहे हैं, कुछ लोग भी आया हुआ है। और वैसे लॉकडाउन के वजह से इतना लोग भी नहीं और ज़्यादा दूर घुमाएगा नहीं, बोलते थोड़ा बस अपना जो रिवाज है वो करेंगे। फिलहाल तो देखो नीचे लाके हम लोग आया है रथ को और लोग भी पूरा आ चुके हैं नीचे। यहाँ पे देखो लोग इतना लोग पूरा घर से नीचे आया और रथ देखो यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ से अभी जो वैष्णव है ब्राह्मण यहाँ से बिठाएंगे, उसके बाद जाएंगे, बस उसके बाद फिर बंद करेंगे। तो यहाँ फिलहाल नीचे ले जाने वाला है, तो ये ऊंचाई पे है ना, तो नीचे ले जाने के लिए थोड़ा सब लोग पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो चलो फिर ले जाते हैं नीचे, जाकर आप लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे नीचे आ चुका है और यहाँ पे अभी भी पूरा ये सामान जगा हुआ, तो यहाँ से रास्ते पे लेके जाएंगे और 15-20 मिनट तक घुमाएंगे। उसके बाद तो जो वैष्णव में था ना, तो उनको यहाँ पे बैठना पड़ता है और फिर सब लोग इन रथ को खींचना पड़ता है। फिर वो भी लूट बतासा वगैरह जो भी प्रसाद देना पड़ता है लूट, और जो भी लोग रास्ते पे मिलते हैं ना वो लोग पूजा करते हैं, तो रुकना पड़ता है। तो फिलहाल देखो यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, धूप धुना बत्ती सब जला के सब भी इंजॉय कर रहे हैं मज़े। और वैसे ये रस्सी है ना, रस्सी आई थिंक ये हमारा जो है ये छटा हो चुका है क्योंकि ज़्यादा लोग पकड़ नहीं पा रहा है। ये तो वैसे तो ये लंबा होना चाहिए था लेकिन ये छोटा लगा दिया, तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी लोग बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ रहे देखो। और बारिश का भी मौसम है ना, तो बारिश आने वाला जैसा है, ढोल कीर्तन घंटी सब बजा रहे। तो देखो मैं भी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे थोड़ा दूर पे सीन क्योंकि लिया गया है कि यहाँ तो क्लियर आने के लिए वीडियो। लोग काम से भी आ रहे हैं ना, तो रास्ते है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है आने जाने में, गाड़ी भी आ रहा है। और लोग चाय बागान से काम पे भी इसी रास्ते से आते हैं। अरे हमारा स्टेशन का सामने है ना, तो लोग अभी देखो पूजा कर रहा है कोई घर से बाहर निकल के, तो इसीलिए यहाँ रुका है। चलो यहाँ पे मैं भी हूँ यार, यहाँ पे धानी जो दे रहा है ना, जय जय कर दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हूँ और पूजा कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो गान भजन रहता है ना, भजन के साथ डांस करना पड़ता है, नाचना पड़ता है ना, डांस बोले तो आपको डीजे डांस नहीं, भगवान का नाम पे डांस करना पड़ता है। तो वैसे मास्क तो कोई नहीं लगाया, कोई कोई लगाया, मैं तो लगाया हूँ मास्क क्योंकि जो परमिशन है ना, जो पुलिस स्टेशन से जो डीसी का परमिशन वो लेने के लिए गया था तो नहीं दिया, बोला है बस थोड़ा अपना जो नियम है जो रिवाज वो करने के बाद वापस लेके जाने का रथ। तो पहले तो हम लोग बहुत इन्जॉय करता था, पूरा 2-3 घंटा तक पूरा गांव घुमाता था, लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से घुमाने का जो परमिशन नहीं है, तो बस थोड़ा 10-15 मिनट घुमाएंगे उसके बाद ले जाएंगे मंदिर में रख देंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से तो सब कुछ बंद हो चुका है। सो भगवान का नाम भी आजकल लॉकडाउन की वजह से ये भी नहीं ले पा रहे लोग, हम लोग बोलो या कोई भी किसी भी धर्म का, जैसे हिंदू मुस्लिम बुद्धा क्रिश्चियन जो लोग भी है ना, अपना जो भी धर्म है सब लोग मतलब बहुत ही मुश्किल से ले रहा है नाम। और हम लोग भी जैसे कि जो भी रथ यात्रा या दशहरा है जो भी पूजा सही से कर नहीं पाता हूँ। और मुस्लिम लोग भी है जो ईद है उन लोग का, जो भी रमज़ान है जो भी उनका ईद है वो लोग भी अच्छे से कर नहीं पा रहे। क्रिश्चियन लोग भी अपना चर्च में सही से ज़्यादा नहीं जा नहीं पा रहे। जितना भी धर्म का सब लोग इसे प्रॉब्लम में ही है, लेकिन क्या करें, अभी गवर्नमेंट का रूल तो मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो लोग हैं तो प्रसाद दे रहे हैं और अपना जो पूजा धपकाटी मोमबत्ती जला के ये कर रहा है। लूट भी देता है जो लोग ये दे रहता, जो लोग सामने आजू बाजू में रहते उन लोगों को केला बरतेसा और भी जो भी फल फ्रूट रहे उन लोगों को लूट में देना पड़ता है, ऐसा फेंकना पड़ता है, उसको लूट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये लकड़ी का है तो ये गाड़ी का जो चक्का है वो सब लोग धो रहा के इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये लोग पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे और ज़्यादा दूर नहीं जाने का, थोड़ा दूर जाने का फिर वापस ले जाने का, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। 6 बजे के बाद तो अलाउड नहीं है ना। तो फिर फिलहाल 5:30 बज चुके हैं, तो देखते हैं। अब आप लोग भी देखिए। और दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते, ज़रूर कमेंट में बताना। वैसे लोग तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम ही लोग हैं एक्चुअली, सब डिस्टिंक्शिंग नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा तो ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा से 100 लोग होएंगे। हाँ, 100 तो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो, नारियल छोड़ने वाला है जो हाथ पे ऐसा नीचे फेंकेगा, जिसका जो ले सकते लेगा। तो चलो मैं भी यहाँ पे हूँ और ऐसा फेंकेगा, लेकिन कोई ज़बरदस्ती किसी का हाथ से नहीं लेंगे, फेंकेगा नीचे। उसमें ऑयल लगा हुआ, केला लगा हुआ, तो फेंक रहा है नीचे। भी देखता हूँ, मैं भी हूँ, जैसे कौन ले पाता है। नहीं तो मास्क लगा के। चलो दोस्तों, फाइनली मैं ले लिया, वो भी नारियल ले लिया, लेकिन सब मिल के बैठ के खा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं सब लोग मिल के, उसके बाद प्रसाद जो भी सब मिल के खाएँगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सब लोगों को प्रसाद दे दिया है अपने कलाई का पत्ता में और सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम है तो जल्दी जगह खाली करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ के बाद से घर चला जाएंगे हम लोग भी।